हाँ जी, कहाँ गायब हैं 2 दिन से आप? हाँ हाँ ठीक है, शाम को मैं जल्दी फारिग हो जाऊंगा तो फिर मिलते हैं। ओके ओके। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ काम करेंगी। वैसे अदब की दुनिया में आपका एक आला मुकाम है। अदब की दुनिया में तो नहीं, डाइजेस्ट की दुनिया में। क्या मतलब, आप डाइजेस्ट की कहानियों को अदब के जुमरे में नहीं लाते? ये मेरा नहीं, अदब के नाकदीन का ख्याल है यानी हम उर्दू अदब की दुनिया को कुछ भी नहीं दे रहे? शायद। शायद हम वो सब कुछ नहीं दे रहे जो हमें देना चाहिए। हमारे डाइजेस्ट के एडिटर्स की डिमांड होती है कि हम हर कहानी को एक हैप्पी एंडिंग दें। वो नापुख्ता जहनों को टारगेट कर रहे हैं, उन सब लड़कियों को जो ये सब कहानियां पढ़ के यही समझती रहे कि जिंदगी में हमेशा हैप्पी एंडिंग्स ही होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हर जगह ऐसी बात हो। इन डाइजेस्ट की कहानियों ने ही आज टीवी चैनल्स को उमैरा अहमद जैसे राइटर दिए, जिसने मेरी साथ जर्रा बेनिशा जैसा खूबसूरत सीरियल लिखा है। ये तो आप सही कह रहे हो। ठीक है, तो फिर आप हमारे डाइजेस्ट को ज्वाइन करें। मैं कल से आ जाऊंगी। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? ये बात भी सही है, जब काम करना है तो फिर आज ही से सही। एक्चुअली वो हमारी एडिटर जो थी वो शादी के बाद हमें छोड़ के चली गई, तो और उनकी जो असिस्टेंट है वो ये सारा काम संभाल नहीं सक रही, तो आपकी खिदमत तो मैं फौरी चाहिए होंगी। मैं आपको मिस तहमीना से मिलवा देता हूँ, वो आपको सारा काम समझा देंगी। जो मन गुदगुदाए, बिस्कोनी चॉकलेट चिप कुकीज, मजे की दुनिया। कोड दाल में काला। कोड चाबी है पर ताला गुम। पागल मोची, ओ नहीं, असल कोड तो ये है *226#। जी हाँ, अब अपने क्या हुआ डॉक्टर? आप पेशेंट के कौन हैं? जी मैं उन्हें जानता नहीं, बस यहाँ लेकर आया हूँ। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है, मगर अफसोस की बात यह है कि हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। आप इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए। आप कौन है? जी परेशान मत होइए, मैं अमाद हूँ। आपकी बेटी हॉस्पिटल में है। या अल्लाह, खैर क्या, क्या क्या हुआ उसे? जी उनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो होश में है। आइए मैं आपको लेने आया हूँ।
मैं जानती थी कि उसकी किस्मत में आजमाइशें लिखी हुई हैं। ठीक तो है ना वो बेटा? जी 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 जी, शुक्र है अल्लाह का वो ठीक है। मेरी जिंदगी में उसके सिवा कुछ नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो प्लीज मत सोचिए ऐसा, शायद अल्लाह ने उसको आपके लिए सलामत रखा। आइए प्लीज। हाँ, मैं चादर लेके आती हूँ। फलक, फलक मेरी बच्ची। मेरा बच्चा मर गया। मैं उसको मार डाला। मेरा बच्चा मैंने इंदर बो गया। मैं क्या करूँगी? मामा, वो माँ बनने वाली थी, उसका बच्चा इस एक्सीडेंट में मर गया है। तुम तो ठीक हो ना बेटा? मुझे क्या होना है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, सारा नुकसान तो उसका हो गया है। हाँ तो तुम अब तक हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो बेटा? तुम मुझे बाहर ले आए ना, अब घर आ जाओ। आ जाऊंगा मामा, अभी मुझे डॉक्टर से बात करनी है। क्या बात करनी है? अब पूछना कि उसकी क्या कंडीशन है और कब तक रिकवरी हो जाएगी। अम्मा, कहीं पुलिस केस ना बन जाए, तुम जल्द से जल्द निकलो वहां से। मामा, ये मेरी गलती है, मुझे इसकी तलाफी करना है। आप परेशान मत होंगे, मैं जल्दी आ जाऊंगा और पुलिस का भी इंतजाम मैंने कर लिया है। अच्छा मैं चलता हूँ, मैंने डॉक्टर से बात करनी है। अल्लाह हाफिज़। अम्मा, असल कोड तो ये है *226#। जी हाँ, अब अपने यू फोन से *226# डाल करें और प्यारों से बातों के लिए खोलें सारी दुनिया के दरवाजे। थैंक यू। ओके, आई विल सी यू। आ जाओ। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी तबीयत है? बेहतर है पहले से। टांग में बहुत तकलीफ बता रही है, बड़ी मुश्किल से सोई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत अफसोस है मुझे कि मेरी वजह से। बेटा डॉक्टर्स क्या कहते हैं? जी बहुत होपफुल है कि इंशाल्लाह जल्दी रिकवरी हो जाएगी। अच्छा आंटी, फिर मैं घर चलता हूँ, कल चक्कर लगाऊंगा। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं बेटा, कुछ मांगने से पहले ही सब कुछ दे देते हैं ये लोग। अच्छा अस्पताल है बहुत। सुने, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपको जो कुछ करना था ना, आप कर चुके। अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले ये भूल जाते कि आप लोगों की लापरवाही की वजह से किसी का कितना नुकसान हो जाता है। I'm really sorry, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। आपने खुद से मेरी कुल मत्ता छीन ली। कुछ नहीं था मेरे पास इस बच्चे के सिवा। मैं चाहूं भी तो अपनी गलती का मैं दावा नहीं कर सकता। हर गलती की तलाफी होती भी नहीं है, और किसी की जान लेने की तो बिल्कुल नहीं होती।
हमें इसे कहीं यहां से जाए। मात आ गए बेटा। क्या हाल है उस लड़की का? बेहतर है। आखिर किस तरह गाड़ी चला रहे थे तुम? वैसे ही जैसे रोज चलाता हूं। अच्छा, खाना लगवाऊं? नहीं, भूख नहीं है। खाना छोड़ने से क्या होगा? प्लीज मामा, मैं बहुत थक गया हूं, सोने लगा। दिमाग खराब है इस लड़के का, बिला वजह सर पे सवार कर लिया, कुछ दे दिला के पारे कर देता। समझा।